Good evening, everyone. I hope I am audible and my screen is visible to all. Just let me know in the chat box. Thank you, Shiv. So, welcome to NHM CTJE classes by Rana Education. Before starting a class, motivation is very important. So, today's motivation is the less you respond to a negative people, the more peaceful your life will become. So जितना कम हम अपनी लाइफ में नेगेटिव पीपल्स को इम्पोर्टेंस देंगे उतना इजी हमारी लाइफ होगी, बिकॉज हमें पता है कि नेगेटिव कोई हमें आगे जाता देखकर खुश नहीं होता है, दे आर नॉट हैप्पी, और इसीलिए कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं, आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं. कुछ फ्रेंड्स, नॉट ऑल ऑफ देम, बट कुछ लोग होते हैं जो आपको नेगेटिविटी देते हैं. तो इट्स बेटर टू लेस रिस्पॉन्स देम और टू इग्नोर देम एंड लिव योर लाइफ पीसफुली. सो आज का जो लेक्चर है वो नंबर सीरीज के ऊपर है और सीटिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर है. कल हम लोगों ने एनालॉगी किया था और उसमें हमने अल्फाबेट्स, नंबर्स देखे थे. देन हमने कोडिंग डिकोडिंग्स किया था, लेटर्स की, लेटर्स विद नंबर्स. कल हमारा लेक्चर उसके ऊपर था, तो आज हम करेंगे नंबर सीरीज. सो नंबर सीरीज से क्या होता है कि आपको एक गिवन सीरीज दी होती है. फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हो, इन अ गिवन सीरीज चूज द इनकरेक्ट नंबर. हमें एक सीरीज दी गई है, हमने उनमें से एक इनकरेक्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है कि इन इस सीरीज में कौन सा नंबर जो है इनकरेक्ट है. तो हम अब देखेंगे कि इन सीरीज में से डिफरेंस फर्स्ट दो नंबर्स में कितना है, देन सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है. अगर तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है +5 +5 +5, देन आपका जो डिफरेंस है वो +6 आ गया, दैट मीन्स ये वाला नंबर जो भी डिजिट होगा वो आपका रॉन्ग डिजिट होगा इन अ गिवन सीरीज और इनकरेक्ट नंबर होगा. तो इसमें आपको दिया गया 4, 7, 13, 25, 49, 97, 153. अब इस सीरीज में क्या हो रहा है कि आपके फर्स्ट दो नंबर्स में +3 का डिफरेंस है और देन आपके फिर +3 ऐड हो रहे हैं तो +6 आ गया. देन सेकेंड और थर्ड नंबर में आपका +6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू टू, फिर 6 ही ऐड करा हमने, 12 आ गए, 12 into 2, 24, 24 into 48. देन यहाँ पे हमारा 193 आना था अगर हम इस सीरीज के अकॉर्डिंग चले तो, बट यहाँ पे 153 दिया है, दैट मीन्स जो हमारा इनकरेक्ट नंबर है वो 153 है. आई होप आई एम क्लियर. अभी आपको सेकेंड सीरीज दी गई है 22, 37, 52, 67, 84, 97. अब इसमें से भी हमने इनकरेक्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है. तो हम देखेंगे पहले इन नंबर्स का एक दूसरे के इन बिटवीन डिफरेंस कितना है. अब 37 -22 That is 15. 52 -37. That is also difference between 15. 52, 67 -52. इसका भी जो difference आता है वो 15 आता है. Then 84 -67. 84 में से 67 माइनस करोगे तो तुम्हारा जो difference आ रहा है वो आ रहा है 17 का. That means यहाँ पे ये नंबर जो है वो इनकरेक्ट आ रहा है. अब फिर अगर हमें पता चल गया इनकरेक्ट नंबर क्या है इसमें, अब हमारा 84, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 84. आई एम क्लियर.
ये जो पहली सीरीज थी इसमें आपको इनकरेक्ट नंबर फाइंड आउट करना था। अब सेकंड सीरीज में क्या होता है कि आपको एक सीरीज दी होती है और आपको इन बिटवीन नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा। अब आपको दिया गया है 3, 6, 11, 18, 27 और हमें फाइंड करना है कि 27 और 51 के सेंटर में कौन सा नंबर आएगा। अब इसमें आपको दिया गया 3 + 3 नेक्स्ट नंबर आ गया हमारा 6। देन 6 में से हम कितने प्लस करेंगे कि हमारे पास 11 आ रहा है, डेट मीन्स 5। देन 11 में से हम कितने प्लस करेंगे कि हमारे पास जो है वो 18 आ रहा है, दैट इज 7। इसी तरह 18 में से कितने प्लस करेंगे कि हमारे पास 27 आ रहा है, दैट मीन्स 9। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि इसमें +2 की एडिशंस हो रही है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 के एडिशंस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट जो है, नंबर जो है वो अवेलेबल होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा 27 + 11, दैट इज 38। तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा 38। क्लियर? अब लेटर सीरीज दी गई है। लेटर सीरीज में QPO आप एक दिया गया है, NML, KJI, ये फाइंड करना है और लास्ट हमें दिया गया EDC। इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो प्रोसेस है, जो हमें अल्फाबेट दिए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं, ये रिवर्स में है, रिवर्स अल्फाबेट सीरीज में है। जैसे सी डी ई होता है, यहाँ पे क्या है, सी ई डी सी। तो दैट मीन्स ये रिवर्स चल रहा है, राइट टू लेफ्ट चल रही है सीरीज। तो यहाँ पे क्या है, पे जैसे आई जे के है, देन एल एम एन ओ पी क्यू, तो दैट मीन्स रिवर्स चल रही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एफ जी एच। रिवर्स में चल रहा है और कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहा है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। यस रॉयल, तो इसका जो आंसर आया वो आया ए हमारे पास। अब ये वाली सीरीज दी गई है आपको, ये सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर। यहाँ पे आपको दिया गया है Q A R R A S, ओके राइट, देन S A T T A U। इसमें अब क्या है, जो मिडल लेटर है ना इस सीरीज में वो है कॉमन, तो मिडल लेटर जो होगा वो हमारा A आ जाएगा। हमने इस सीरीज से क्या देखा कि मिडल जो लेटर दिया गया है हमें गिवन सीरीज में सबका सेम है, तो हमने मिडल लेटर एज इट इज सेम लिख दिया ए। अब यहाँ पे क्या है, क्यू आर एस टी यू, और ये थर्ड जो सीरीज दे रही है, दे रखा उन्होंने आर एस टी यू दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा नेक्स्ट कौन सा होगा। ये भी हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस में है, क्यू आर एस टी यू, आर एस टी यू वी। रॉयल कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट कंसेप्ट जो है सेम होता है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रही हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व आउट करने हैं, क्योंकि लेटर सीरीज नंबर सीरीज के बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, सो डैट आप फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने प्रैक्टिस करो, तुम्हारे लिए इजी होगा एग्जाम में अचीव करना जो तुम्हारा गोल है।
अल्फानुमेरिक सीरीज आती है, इसमें आपके अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों होती हैं। सी फोर एक्स एफ नाइन यू आई 16 आर। अब इसमें ये पता करना है हमने कि नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ऐसे भी आ सकता है कि आपको लास्ट सीरीज फाइंड आउट करनी है, ऐसे भी आ सकता है कि आपको मिडिल सीरीज फाइंड आउट करनी है। इसके आगे आपको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू दे दी गई होगी, आपको सेंटर वाला जो है वो फाइंड आउट करना होता है। कंसेप्ट जो होते हैं हमारे न्यूमेरिक सीरीज के, अल्फाबेट सीरीज के, वो काइंड ऑफ सेम होते हैं। हमें सिर्फ एक बार फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा कंसेप्ट लगा है, कैसे इन्होंने पहले ही रूल्स अप्लाई करे हैं फर्स्ट थ्री लेटर्स में, फर्स्ट थ्री अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, सो डेट कि हम नेक्स्ट हम भी वो अप्लाई कर सके। अब इसमें सी एफ है, दैट मीन्स प्लस टू अल्फाबेट्स, और हमारा आंसर आया एफ। अब एफ के बाद फिर प्लस टू, देन हमारा आंसर आया आई। दैट मीन्स आई के बाद फिर प्लस टू अल्फाबेट्स होंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल। और अगर मैं इस सीरीज की देखूं, एक्स यू आर, ये रिवर्स में चल रहा है। फर्स्ट जो सीरीज है वो फॉरवर्ड में चल रही है, और लास्ट जो सीरीज है वो बैकवर्ड में चल रही है। तो इसमें क्या हुआ, एक्स एक्स के बाद फिर माइनस टू हुआ, तो हमारे पास यू आया। देन माइनस टू हुआ, आर आया। अब माइनस टू होगा तो हमारे पास आएगा ओ। तो इसमें क्या हो रहा है, अब नंबर सीरीज कैसे सॉल्व हो रही है, यहाँ पे क्या है, 4 + 5 9। 9 में कितने हम प्लस करें कि हमारे पास 16 आ रहा है, दैट मीन्स 7। दैट मीन्स इन नंबर सीरीज में भी प्लस टू की एडिशन हो रही है। अगर यहाँ नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, 25, 16 + 9, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा L25O। एम आई क्लियर? एग्जाम्पल हमारे क्या कहती है कि इंसर्ट करना है हमने मिसिंग करेक्टर। इसमें हमें सेंटर वाले ट्रायंगल के सेंटर में कौन सी मिसिंग वैल्यू आएगी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले ये कंसेप्ट जानना होगा, यहाँ फाइंड आउट करना होगा कि जो फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायंगल में वैल्यूज है वो इन्होंने कैसे लिए। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने साइड वाले दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है, दैट इज 5 × 3 = 15। और 15 में इन्होंने जो सेंटर वाली बॉटम वाली वैल्यू है वो ऐड कर दिया +4, तो आंसर इनकी जो मिडिल वैल्यू आई वो आई 19। इसी तरह 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 24, 5 ऐड करा, 29। तो नेक्स्ट इनकी वैल्यू जो आई वो आई 29। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आपके लिए इजी है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 35, 35 में से 6 ऐड करा तो 41। तो हमारा जो आंसर आया वो 41 आया। क्लियर? अब सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट में आपको ये भी बोल सकते हैं कि एक इसके दो होते हैं, दो तीन तरह के पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, दो टाइप्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि एक रो है उसपे इतने बंदे बैठे हैं, ए और बी एंड पे है, सी और ई सेंटर में है, तो बी के राइट में कौन होगा, ए के लेफ्ट में क्या होगा। तो ये जो चीज है, एक तो ये पूछ सकते हैं, दूसरा ये कह सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन ऐसे पुट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या फिर अल्फाबेट्स है पी क्यू आर एस, वो एक सर्कुलर टेबल के ऊपर बैठे हैं, तो उनकी जो फेस है वो इनवर्ड है, तो पी जो है ऑपोजिट बैठा है सी
सेकंड ऑफ यू, यू के सेकंड पे पी बैठा है, देन आर जो है ऑपोजिट टू यू है, पी के ऑपोजिट एक्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि ए बी सी डी ई एंड एफ जो है वो एक रो में बैठे हैं, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, और इन्होंने बोला है सी और ई जो है वो सेंटर में है। तो हमने मान लिया सी और ई जो है वो सेंटर में है। इन्होंने ये नहीं बताया कौन किसके ऑपोजिट बैठा है, कौन किसके ऑपोजिट बैठा है। यहाँ पे इन्होंने सिंपल बता दिया कि सी और ई जो है वो सेंटर में बैठे हैं, और इन्होंने बोल दिया ए एंड एफ आर एट द एंड्स। अब हमें ये पता है ए और एफ जो है वो एंड्स पे इन्होंने बोल दिया हमें। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। इस अब हमें ये देखना है कि अब उन्होंने बोल दिया कि जो बी बैठा है वो ए के लेफ्ट पे बैठा है, तो डेट मीन्स ए इस एंड पे आएगा, तभी बी जो है इसके लेफ्ट पे बैठेगा। तो अब हमारे डी के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं, तो डी आप कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। इन्होंने जो पूछा है हम वो आंसर करेंगे, और एफ हमारा एक एंड पे आ गया, ए हमारा एक एंड पे आ गया। अब इन्होंने बोलना है कि हु इज टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट पे कौन है, एफ के राइट पे कौन है, एफ के राइट पे हमारा, सॉरी यहाँ बी बोला उन्होंने और डी। क्योंकि उन्होंने बोला ई और सी सेंटर में है, तो सेंटर में तभी आएंगे, इधर भी सेंटर में है, इधर भी सेंटर में है, तो ई और सी को हम सेंटर में रहने देंगे, तो ई के लेफ्ट पे जो है वो हमारा डी आएगा, तो एफ के जो राइट पे आंसर आएगा हमारा डी। क्लियर? अगर मैं आपको बोलूं, यही एग्जाम्पल लेते हैं बट वी इंटरचेंज द थिंग्स, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन द रो, जहां पे ए एंड बी इन द सेंटर, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड क्या है, टी एंड एफ आर एट द एंड्स, ई इज राइट ऑफ बी। Who is left of F? अंशिका, ये बहुत इजी है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है फाइंड आउट करना। सिटिंग अरेंजमेंट जो आपको एक सिंगल रो में दिया जाता है, दैट वाज वेरी इजी। बट अगर आपको बोला जाए कि ए बी सी डी जो है वो सर्कल टेबल पे बैठे हैं, तो इसके ऑपोजिट वो है, वहां पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहां पे टाइम टेकिंग भी होता है ऑफ कोर्स। बट अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना, देन आपके लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। अब मैंने ये क्वेश्चन दिए, मैंने आपको चार पॉइंट दे दिए कि ए एंड बी जो है सेंटर पे है, सेम हमने लिया ए बी सी डी ई एफ सिटिंग इन अ रो, डी एंड एफ आर एट एंड्स, ई इज राइट ऑफ बी एंड हु इज लेफ्ट ऑफ एफ। मुझे बताओ ये सॉल्व करके, लेट मी नो द आंसर इन द चैट बॉक्स। आई होप
मैंने क्या क्वेश्चन दिया है अभी आपको कि ए बी सी डी ई एंड एफ जो है वो एक रो में बैठे हैं, जिसमें हमें ये बताया गया कि ए एंड बी जो है वो सेंटर में है, डी एंड एफ जो है वो एंड्स पे है, ई जो है वो बी के राइट साइड पे है, तो एफ के लेफ्ट पे कौन होगा? इसमें क्या है, अब लेट्स सॉल्व इट। मैंने बोल दिया ए और बी जो है वो सेंटर में है और डी और एफ जो है वो एंड्स पे है, डी और एफ जो है वो एंड्स पे है। अब मैंने एफ इस साइड पे क्यों लिया, क्योंकि हमें पूछा गया कि एफ के लेफ्ट पे कौन है, क्वेश्चन के अंदर ही हिंट दिया होता है हमारी सीटिंग अरेंजमेंट के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि एफ के लेफ्ट पे कौन है, तो अगर मैं यहाँ एफ लिखती तो ये राइट साइड हो जाता, इसीलिए एफ जो है इस साइड आएगा, सो डेट मैं उसके लेफ्ट में देखू कि कौन आएगा। और इसमें लिखा है ई, ई इज राइट ऑफ बी, बी के राइट साइड पे ई है, तो एफ के लेफ्ट पे कौन हुआ, तो एफ के लेफ्ट पे कौन हुआ, ई। क्लियर? एनी डाउट? ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट में आपको क्या दिया गया है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग राउंड इन राउंड द सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर्स। अब इसमें इन्होंने बोल दिया कि पी क्यू आर एस टी यू वी जो है वो जो है एक सर्कल राउंड तो सर्कल में बैठे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो सर्कल में बैठे हैं, और जो उनका सीटिंग अरेंजमेंट फेस है जो वो सेंटर की तरफ है। और इन्होंने अब हमसे इन्होंने और क्या हमें बताया कि पी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट पे बट सेकंड पोजीशन पे पी है। विशाल? श्योर? विशाल, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। विशाल, यू हैव एनी डाउट? ओके, मे आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, तो हम सेकेंड एग्जाम्पल कर रहे थे जिसमें हमें ये बताया गया था पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू जो है वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं और उनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। तो इन्होंने बोला कि पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, पी जो है वो सेकेंड है बट टी के राइट साइड पे, राइट साइड से अगर हम उनको काउंट करेंगे तो वो सेकंड पोजीशन पे आती है, आता है पी, बट टी के राइट साइड से। एंड उन्होंने ये भी बताया कि जो टी है वो निर्भर है आर और वी का, टी जो है वो आर और वी का निर्भर भी है, बट उन्होंने ये बोला कि एस जो है वो पी का निर्भर नहीं है और वी इज द निर्भर ऑफ यू, और वी का जो निर्भर है वो यू है, टी के जो निर्भर थे वो आर वी इन्होंने बताया, और एस जो है वो पी का निर्भर नहीं है, मतलब पी के ना वो राइट साइड पे आता है ना वो लेफ्ट साइड पे आता है एस, और क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, क्यू जो है वो एस और डब्ल्यू के इन बिटवीन भी नहीं आता है, एंड डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस। ये सारी जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमें कलेक्ट करनी होती है और उसी के बेसिस पे हमें जो है हमारा सर्कल जो है वो फॉर्मुलेट करना होता है। तो अब हम सर्कल फॉर्मुलेट करते हैं। सर्कल है, लेट मी क्लियर। अब
अब क्या है? सर्कल है। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है? हमने सर्कल फॉर्मुलेट कर लिया, 8 पैक्स थे, हमने 8 की तरह फॉर्मुलेट करा। अब हमें इनको पोजीशंस देनी है, तो हम पोजीशंस कैसे देंगे? क्वेश्चंस के बेसिस पे। उन्होंने क्या बोला? पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। हमेशा इनको सेंटर से, जो मुझे इजी वे लगता है कि मैं सेंटर से स्टार्ट करती हूँ इस साइड से, सो डेट मेरे लिए इजी होता है फॉर्मुलेट करना। तो मेक श्योर करना आप एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट के ही थ्रू आप पूरा सर्कल जो है वो फॉर्मुलेट करो। उससे आपके लिए इजी होता है पोजीशंस को भी डिटरमिन करना। अब यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू वी दिया गया है, डब्ल्यू। उन्होंने बोल दिया पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। अब टी का राइट किस साइड होगा? अब फेस जो है इनके इनवर्ड है, सेंटर की तरफ है फेस, तो इसका जो टी का राइट साइड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट साइड। तो उन्होंने बोला पी जो वो सेकंड है टी के। देन उन्होंने क्या बोला? हु इज द निर्भर ऑफ आर एंड वी। टी जो है वो आर एंड वी का निर्भर भी है, मतलब आर और वी टी के दोनों निर्भर्स हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? टी पी और टी के जो निर्भर्स हैं वो आर एंड वी है, तो आर एंड वी हो गए। देन उन्होंने बोला है कि एस इज नॉट द निर्भर ऑफ पी। अब एस बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, ये हम अब बाद में। और इन्होंने क्या बोला? वी इज निर्भर ऑफ यू, यू का निर्भर है वी, ठीक है। और क्यू जो है इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। क्यू जो है एस एंड डब्ल्यू के बीच में भी नहीं आता है, तो डेट मीन्स हमारे पास 3 बचे, एस डब्ल्यू क्यू। तो एस एंड डब्ल्यू को उन्होंने बोल दिया कि वो क्यू जो है एस एंड डब्ल्यू के बीच में नहीं आता है। तो ये जो फॉर्मुलेट हुआ हमारा सर्कल। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? देन हु इज द ऑपोजिट टू द यू, टोटली ऑपोजिट। अगर पी पी और यू, एस और टी है, वी के ऑपोजिट क्यू होगा, डब्ल्यू के ऑपोजिट आर होगा, तो यू के ऑपोजिट कौन हुआ? पी। तो हमारा जो आंसर आया वो आया पी। एम आई क्लियर? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एम आई क्लियर विद दिस क्वेश्चन? एम आई क्लियर? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके शिव, आई विल रिपीट इट। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? 8 पैक दिए गए हैं जिन्होंने बोला कि वो सर्कल में बैठे हैं। हमने सर्कल बना लिया और हमें पता है कि 8 पैक से हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। और अब हमने क्वेश्चंस, हमें क्या क्या हिंट दिए गए हैं क्वेश्चंस के अंदर की सीटिंग अरेंजमेंट कैसे है? जो इन्होंने बोला कि पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, मैंने टी को सेंटर में लिया और उन्होंने बोला कि पी जो है टी के सेकेंड में है बट राइट साइड है, तो इसका टी का जो राइट साइड आएगा अगर वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर को आएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा पी। उसके बाद उन्होंने बोला जो टी है वो आर एंड वी का निर्भर है, टी दोनों का निर्भर है, दैट मींस टी जो है आर और वी के सेंटर में आ गया, बिकॉज टी इज निर्भर ऑफ बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, ओके। और इन्होंने बोला एस जो है वो पी का निर्भर नहीं है। इन्होंने ये भी बोल दिया, मतलब एस यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि पी का निर्भर ही नहीं है एस, उन्होंने ये बोला। तो फोर्थ में उन्होंने क्या बोला? वी इज द निर्भर ऑफ यू। वी जो
है, हमने जो बोला कि आर एंड वी जो टी का निर्भर था, अब इन्होंने बोला कि वी जो है वो यू का भी निर्भर है, तो हमने यहाँ मार्क कर लिया यू, बिकॉज वी का निर्भर है। अब लास्ट में उन्होंने क्या बोला, क्यू जो है वो एस एंड डब्ल्यू के बीच में नहीं आ सकता है, सेंटर में नहीं है, क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। अब हमारे पास 3 स्लॉट बचे हैं, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि क्यू क्यू जो है वो एस डब्ल्यू के सेंटर में नहीं है, इन बिटवीन नहीं है, तो हमने क्या बोल लिख दिया यहाँ पे, एस और डब्ल्यू। और उन्होंने बोल दिया डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस। अब ये भी बोल दिया उन्होंने कि डब्ल्यू यू एंड एस के बीच में नहीं आ सकता, तो एस मैंने यहां मेंशन करा, डब्ल्यू यहां मेंशन करा, और यहां बोला था इन्होंने एस इज नॉट अ निर्भर ऑफ पी। अब पी का निर्भर भी नहीं रहा एस, और डब्ल्यू जो है वो भी यू और एस के इन बिटवीन नहीं आया, तो हमारा जो आंसर, हमारा जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ वो ये फॉर्मुलेशन में आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने जो सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट बनाया वो हमारा ये चीज आ गई। हमें हर एक चीज दी होती है। आप अगर फर्स्ट लेटर जो है सेंटर से स्टार्ट करो, किसी भी सेंटर से, इधर दिस दिस, किसी भी सेंटर से स्टार्ट कर लेना, तो उसी बेसिस पे आपका इजी हो जाता है फॉर्मुलेट करना। हमेशा जो सीटिंग अरेंजमेंट सर्कल्स में आएगा तो मेक श्योर करना कि आप सेंटर से शुरू कर रहे हैं, किसी भी सेंटर से शुरू कर लो, बट सेंटर से शुरू करने से आपके लिए इजी होता है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको इन्होंने दे दिया कि फेस इनका जो है सेंटर की तरफ है, कभी कभी क्वेश्चन में सेंटर की तरफ नहीं बताते, तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाता है देन फॉर्मुलेट करना, क्योंकि कोई राइट लेफ्ट नहीं होता है, बट इतना हो जाता है कि वो उसका निर्भर नहीं है, वो उसके निर्भर है और इन बिटवीन आता है। तो इसका जो आंसर आया कि ऑपोजिट कौन है यू के, तो हमारा जो आंसर आया था वो आया था पी। फिर आई एम क्लियर, समझ में आ गया लास्ट पॉइंट। अंशिका आई होप यू आर ऑल्सो क्लियर, एवरीवन इज क्लियर। सेमी टाइम लगता है बट इजी भी होता है अगर आपको पता लग जाए कंसेप्ट। तो एग्जाम में जितना टाइम होता है उतना टाइम तो आपको मिलेगा ही, कि 3 आवर्स का एग्जाम होता है, तो आपको खुद को टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी उसमें, कि आपने कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में करने हैं, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर टाइम। सो इट्स बेसिकली डिपेंड अपॉन योर टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। एनी डाउट? आज के लेक्चर बस यही था हमारे लिए, सीटिंग अरेंजमेंट और नंबर सीरीज। एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच। आप मॉक जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी आप मॉक टेस्ट आप करोगे प्रैक्टिस, आपके लिए इजी होगा, उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट भी होगी, इंग्लिश का भी होगा। बट अभी हमारा रीजनिंग सेशन चल रहा है, उसके बाद सर आपको बता देंगे कब इंग्लिश का सेशन चलेगा, तो सर आपको बता देंगे। अभी पहले रीजनिंग पे करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।